हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय होम गार्डन। और आज हम एक ऐसे पेड़ के बारे में आपको कुछ जानकारियां देने वाले हैं जिसकी फल फूल और पत्तियों को खाया जाता है। क्या आप सभी इस पेड़ के बारे में जानते हैं? जून जुलाई के महीनों में इन पेड़ों पर कीड़े लग जाते हैं। उन कीड़ों के कारण हमें बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। वह कीड़े कांटेदार होते हैं, वो हमारे घर में इधर उधर घूमने लगते हैं। वह कीड़े अगर हमारे शरीर पर चढ़ जाते हैं तो उस जगह पर हमें बहुत खुजली होती है और उस जगह पर घाव बन जाता है, जिससे हमें काफ़ी परेशानी होती है। इस वीडियो में उन कीड़ों को अपने पेड़ों से भगाने के लिए हम एक सरल तरीका बताने वाले हैं फ्रेंड्स, तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम इस पेड़ के बारे में कुछ विशेष बातें जानेंगे फ्रेंड्स। इस पेड़ के फल फूल और पत्तियों में औषधीय गुण पाए जाते हैं। अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है तो इसकी पत्तियों का साग बनाकर खाने से ही आपकी बीपी को कंट्रोल करने में आपकी मदद करेगा। इस पेड़ के फल की सब्जी भी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इसके अलावा इस पेड़ में सफ़ेद कलर के गुच्छेदार फूल खिलते हैं, उन फूलों से भी सब्जी बनाई जाती है जो कि बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी होती है हमारे लिए। इस पेड़ की डाल और टहनियाँ बहुत ही कमज़ोर होती हैं, हल्के से दबाव से ही वो टूट जाती हैं। तब हम आपको बता दें कि ये किस चीज़ का पेड़ है। ये सहजन का पेड़ है, यानी कि सहजन की फली का पेड़। सहजन के पेड़ में जून जुलाई के महीनों में कीड़े लग जाते हैं। वो कीड़े हमारे पेड़ को काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं, जिस कारण हमारे पेड़ सूखने लगते हैं। तो इन कीड़ों से अपने पेड़ को हम किस प्रकार से बचा सकते हैं, आइए देखते हैं। तो अपने सहजन के पेड़ को कीड़ों से बचाने के लिए सबसे पहले हमें 1 लीटर थिनर की ज़रूरत है। तो हम हार्डवेयर की दुकान से 1 लीटर थिनर लाएंगे। तो ये 1 लीटर थिनर, ये 50 से 60 रुपये लीटर हार्डवेयर की दुकान पर मिलता है। इसे थिनर या स्प्रिट भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल हम लोग पेंट में करते हैं, पेंट में मिला के पेंट करने के लिए। थिनर को स्प्रे करने के लिए हमें स्प्रे पंप की ज़रूरत होगी। तो हम मार्केट से एक स्प्रे पंप लेके आएंगे। ये इजीली आपको मार्केट में 20 से 30 रुपये मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं ये स्प्रे पंप है, इससे हम अपने पेड़ पौधों पे स्प्रे करते हैं। इसके अलावा इस स्प्रे पंप का इस्तेमाल नाई की दुकानों पे भी किया जाता है। स्प्रे पंप, अब हम अपने थिनर की बोतल पर 2 चम्मच नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद हम अच्छे से उसे मिक्स कर लेंगे थिनर के साथ। उसके बाद स्प्रे पंप को हम अपने बोतल में लगाएंगे। ये बहुत ही आसानी से आपके बोतल में लग जाती है, क्योंकि इसका ढक्कन भी छोटा होता है, बोतल के ढक्कन जितना। बोतल में लगाने के बाद इसे अच्छे से हम हिला के नमक को मिला लेंगे और अपने बोतल में हवा का प्रेशर बनाएंगे, ताकि जब हम स्प्रे करें तो हमारा स्प्रे अच्छे से हो सके। उसके बाद हम इस तरह पेड़ों पर स्प्रे करेंगे। तो हमें अच्छे से पेड़ों पर स्प्रे करना है, जहाँ पे हमारे कीड़ों ने पेड़ को डैमेज कर दिया उसके ऊपर भी अच्छे से स्प्रे करना है, ताकि उसके अंदर अगर कीड़े हों तो वो मर जाए और हमारे पेड़ को नुकसान ना हो। तो इसी तरह से अपने पेड़ के चारों तरफ हमें स्प्रे करना है। अगर कहीं पे कीड़ों के गुच्छे दिखाई दें तो उनके ऊपर स्प्रे करें, उससे कीड़े मर जाएंगे और हमारा पेड़ सुरक्षित रहेगा। इसी प्रकार से हम पूरे पेड़ पर स्प्रे करेंगे। मैंने पहले भी इस पेड़ पे एक बार स्प्रे किया था, इसलिए इस पेड़ पे अभी ज़्यादा कीड़े नहीं हैं। ये सारे तरीके मैंने अपने घर में आजमाए हुए हैं, इसलिए ये रियल एक्सपेरिमेंट है। आप भी इसे अपने पेड़ों पे ज़रूर आजमाएं, इससे हमारे पेड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता और इस पेड़ों पे होने वाले कीड़े मकोड़े नष्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है सहजन का छोटा पेड़। इसे मैंने सहजन की डाली से लगाया है। इसे लगाए हुए करीबन मुझे 3 महीने हो चुके हैं, तब ये डाल पेड़ बन चुका है। इसमें नई नई कोपले आई हुई है। तो इसी तरह से आप भी अपने घर में सहजन के पेड़ लगा सकते हैं उनकी मोटी डालों से। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।